हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड गुरु क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 मैथ को लेकर। क्लास 10 के मैथ में आपसे पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं, यह इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक समीकरण हमने लिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे वो देखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो आइए देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। तो इसको आपको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि किसी समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में x या y के स्थान पर उसको पुट करके उसको सॉल्व करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम यहाँ समीकरण 1 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। समीकरण 1 को अगर लिखे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ पे x का अगर मान निकाले हैं तो बन जाएगा 7 माइनस का y। यह x की वैल्यू हमने निकाल ली समीकरण 1 से। अब आप क्या करेंगे, जिस समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण उसमें न रखकर दूसरे वाले समीकरण में उस x की वैल्यू को रखेंगे। तब यहाँ पे हमने x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए इसका मान किसमें हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। अब रखते हैं तो देखिए क्या होता है। समीकरण हमारा सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू का 9। आपको x के स्थान पे रखना है 7 माइनस वाई, तो यहाँ पे 3 पहले से है मौजूद, x के स्थान पे रखना है 7 माइनस वाई और माइनस का y अपने जगह पर है इज इक्वल टू का 9। आगे देखिए 3 का मल्टीप्लाई है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 21 माइनस का 3y एंड माइनस का वाई इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ वाई वाई दो बार हो गया है, दोनों माइनस साइन के साथ में है, तो ये जुड़ जाएगा 21 माइनस का 4y इक्वल टू का 9। यहाँ देखिए 21 इधर चला जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, जब माइनस साइन बनेगा तो यहाँ पर आपका आंसर होगा माइनस 4y इक्वल टू 9 माइनस 21। माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको इसमें से घटाएंगे अगर तो क्या बचने वाला आपका 12। क्या बचेगा, माइनस का 12, माइनस साइन ज्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस 12। अब देखिए दोनों साइड में आपका माइनस माइनस दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका बन गया 12/4। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा आंसर 3। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 3। आपने एक चर का मान निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे जहां पर x का मान हम अलग फाइंड किए थे समीकरण 1 से। तो यहां पे अगर रखें हम तो यहां पे आपका बन जाता है x इज इक्वल टू 7 माइनस का वाई, और y इज इक्वल टू 3 आया है तो यहाँ पे बन जाएगा 7 माइनस 3, या 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। और सेकेंड प्रॉब्लम है प्रतिस्थापन विधि से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यह आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है इसका सलूशन। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका, हमने बताया आपको कि इसको x वन इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए। 1 और 2 मानने के बाद किसी एक इक्वेशन को लेकर उसको आप x की वैल्यू या y की वैल्यू अलग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अगली बार 1 को लिए थे इक्वेशन को, इस बार हम 2 को लेकर सकते। फ्रॉम इक्वेशन टू से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है,
तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाले हम तो 4 प्लस का y बन जाएगा, क्लियर है। अब इस x की वैल्यू जो आई है 4 प्लस y, इसके वाली इक्वेशन में ले जाके उसके स्थान पर पुट कर देंगे, तब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, हम सेकेंड से निकाले थे x की वैल्यू, इसलिए इसको हम वन में पुट कर रहे हैं। अगर हम वन में पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, वन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब x के स्थान पे आपको रखना है 4 प्लस वाई, तो x के स्थान पे हम रख देते हैं 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई अपने स्थान पर है इक्वल टू 14, y y को ऐड कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, और इस 4 को हम ले जाके उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 10 बचेगा 2y इक्वल टू, एंड y इक्वल टू निकालेंगे 10 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ गई 5। अब यह y की वैल्यू आपको यहाँ पे न ले जाके रख के आप जहाँ x की वैल्यू अलग किए थे वहां पे आपको रखना है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो x इक्वल टू आपको मिला था 4 प्लस का y, तो x इक्वल टू 4 प्लस y के स्थान पे आपको 5 रखना है तो 5 हो जाएगा, तो 5 एंड 4 कितना बन जाएगा 9, तो आपने दोनों चर की वैल्यू निकाल लिया, एक y की वैल्यू आई है 5 एंड एक x की वैल्यू आई है 9। आप चाहें तो आंसर भी मैच करा सकते हैं, x y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे अगर यह मिल जाता है आपको तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड, x प्लस y इज इक्वल टू 3.3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.6 होल अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, हम यहाँ फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 1 से अगर चलेंगे तो x की वैल्यू हम अगर निकालें यहाँ से तो आपका बन जाता है 3.3 माइनस का y, इसको आपको किसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ से x की वैल्यू अलग करेंगे उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में आपको मान रखना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मान रखें हम तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट आपको क्या मिलता है, तो यहां पे देखिए इसको चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या माइनस साइन हम यहां पे लिख लेते हैं, इसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस साइन इसके साथ चला जाएगा और ये हमारा सेम बचेगा, तो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस 0.6। अब आपको x के स्थान पे मान रखना है, x यहाँ पर है इसके साथ में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू बनेगा, x के स्थान पे आप लिखेंगे 3.3 माइनस साइन वाई और माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 0.6। अगर 3 का मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ पे बन जाता है 9.9 माइनस का 3y एंड माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 0.6। इस माइनस दोनों माइनस साइन है y के साथ में इसलिए जुड़ जाएगा तब आपका आंसर आएगा, और इस 9.9 को हम इक्वल किधर भेज देते हैं तो माइनस बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ बनने वाला है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 0.6 माइनस साइन, उसके बाद यह 9.9 उधर जाएगा तो यह भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 9.9। अब यहाँ पे माइनस 5y इज इक्वल टू इसको ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो यह 10 का क्या आएगा 5, दोनों साइड माइनस साइन है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू बचने वाला है आपका 10.5 होल अपन का 5, इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर बच जाएगा 2 का
वन, तो y की वैल्यू आ गई आपका 2.1। इस y की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर हम अगर पुट करें तो x इज इक्वल टू दिया है 3.3 माइनस का y, और y के स्थान पे ही आपको वैल्यू रखना है 3.3 माइनस 2.1। सॉल्व करेंगे तो आपका 1.2 बचने वाला है। x y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।